देखिए हम लोग जो है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसमें आंसर की के साथ आपको दिया हुआ है, आपको बस सुनते रहना ध्यान से, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन, चंद्रयान थ्री मिशंस जो है, चंद्रयान थ्री मिशंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है? तो चंद्रयान थ्री मिशंस नीचे करिए, तो चंद्रयान थ्री मिशंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देखिए इसमें दिखाते हैं। चलो चंद्रयान थ्री मिशंस जो है, चंद्रयान थ्री मिशन जो है एक मिशन है, चंद्रयान टू का फॉलो अप मिशन है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक लैंडर है, एक रोवर है, ये जो है एल लॉन्च व्हीकल एम थ्री से मतलब लॉन्च हो रहा है, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, है ना, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेशल है ना, श्रीहरिकोटा। उसके बाद जो है इसका जो प्रोपल्शन है वो लैंडर और रोवर कैरी करेगा, कितना के एम ऑर्बिट में, 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक जो है इसका प्रोपल्शन जो है लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन में कैरी करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रो पोलारीमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है, सेफ पेलोड है, जो अर्थ के स्पेक्ट्रल और पोलारीमेट्रिक मेजरमेंट्स लेगा लूनर ऑर्बिट के बारे में, ठीक है? तो मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, ये देखिए मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ये जो है सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा लूनर मार्स लूनर पे, चांद पे। ये रोवर डेमोस्ट्रेट करेगा पूरे मून के चारों ओर, और ये जो है ऑन साइट मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वहीं पे करेगा, ठीक। तो ऑप्शन चार हमारा इस पर सही था, ऊपर देख लीजिए क्या था चार ऑप्शन में, सारा ऑप्शन। तो ये सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और ये रोवर रोबिंग करेगा मून पे, और ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा वहाँ, ठीक। नेक्स्ट, तो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो बिल्ड किया गया था बिहार में, वो कहाँ बिल्ड किया गया था, कदीराबाद दरभंगा में, कदीराबाद दरभंगा में सबसे पहला सोलर पावर प्लांट बनाया गया था बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा इंडिया का रैंक कितना है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 67 है, ठीक है, 67th रैंक पर इंडिया आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। नेक्स्ट, कौन सा इसमें से जो है ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2022 में इसमें से कोई भी ऐड नहीं किया हुआ है, देखिए बताते हैं आंसर में कौन कौन ऐड हुआ है 2022 में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है मतलब ऑब्जर्वेटरी है लंगट सिंह कॉलेज, जिसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है एक ऐसा प्लेस होता है जो यूएन जो है एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है उसको, जिसका डिस्टिंक कल्चरल हो, फिजिकल इंपॉर्टेंस हो, और कुछ ह्यूमेनिटी के रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू हो, ठीक है। तो यूनेस्को जो है कंजर्वेशन आइडेंटिफिकेशन और नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करता है, ठीक है। तो मतलब कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है ये, 1972 में चालू हुआ था यूनेस्को। टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में 40 है। जो 27 जुलाई 2021 को कौन सा था, धौलावीर हरप्पा सिटी है ना, धौलावीर रन ऑफ कच्छ में, ये इंडिया का 44वां हेरिटेज साइट था। 25 जुलाई को यूनेस्को जो है रुद्रेश्वर टेम्पल जो है रमप्पा टेम्पल वो जो है वारंगल तेलंगाना में है रमप्पा टेम्पल, उसको 23वां था ये, सॉरी मतलब 39वां, 40 में सबसे लेटेस्ट कौन है, धौलावीर हरप्पा का, और उसके उसके पहले कौन था, रुद्रेश्वर टेम्पल रमप्पा टेम्पल वारंगल में है तेलंगाना में। 2022 में कोई भी साइट जो है ऐड नहीं किया गया है यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, 2021 में ही था। कौन सा स्टेट जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से रिलेटेड है, तो शहरी रोजगार योजना जो है राजस्थान में स्टार्ट हुआ है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा इसमें यूनियन मिनिस्ट्री जो है रिसेंटली लॉन्च किए हैं युवा टू स्कीम इन 2022, युवा टू जो है स्कीम जो है इसका आंसर देखिए क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च किए हैं, ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव करके, है ना, 75 या फिर इंडिया एट द रेट 75 प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं। युवा टू है क्या, ये स्कीम जो है मॉनिटर करता है जो भी यंग और बडिंग ऑथर्स जो है जिसको एज जिनका 30 से कम है, उनका मतलब ऑब्जेक्टिव्स है कि मतलब उनके रीडिंग का कल्चर और राइटिंग का कल्चर जो है बढ़ाएंगे और उनका इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे, और इनका पर्सपेक्टिव है कि जो भी इंडियन यूथ हैं उनका डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन इवेंट्स पीपुल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मतलब वो सब कुछ उनका मतलब
ब्रिंग करेंगे, लाएंगे उसमें, मतलब उसमें जो भी ऑथर्स लोग हैं जिसको राइटिंग का कैपेबिलिटी है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पे, उनको मतलब प्रमोट करेंगे, ये उनको बेनिफिट देंगे, उनको कल्चर हेरिटेज नॉलेज पूरे ग्लोब में फैलाएंगे, ठीक है। तो जो लेटेस्ट एडिशन है युवा स्कीम का, वो पहला एडिशन के बाद आया है, तो इसमें जो है 22 डिफरेंट लैंग्वेज और इंग्लिश में भी है, 22 लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश में भी इसमें दिया गया है। जो इन इसका जो है थीम क्या है, इनॉग्रल एडिशन का थीम है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका फोकस है अनसंग हीरो, जो मतलब जिसका टैलेंट उभारा नहीं जा पाया है उसको उभारा जाएगा, है ना। तो रोल ऑफ अननोन प्लेसेज इन फ्रीडम मूवमेंट एंड अदर सब्जेक्ट्स, मतलब टैलेंट को उभारने के लिए युवा का है ये, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च किया है, RBI अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, ठीक है। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड क्या है, जो RBI के इंटरनल यूज के लिए है, मतलब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन देगा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच से, ठीक है। इससे जो है आपको फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के लिए एक्सेस हो जाएगा, आप लोकली जो है मतलब ये प्लेसेज एड्रेस कर सकता है। इसमें जो भी डैशबोर्ड होगा वो इंटरनल यूज RBI के लिए है। RBI जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लाया था 2021 में, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है इसमें जो है ब्रॉड पैरामीटर्स दिया गया है, वेट इंडेक्स, वेट जो है ब्रैकेट में रहता है, और एक्सेस जो है और यूसेज रहता है। तो एक्सेस जो है 35% है, और यूसेज जो है 45% है, और क्वालिटी जो है 20% है। ये सब मिला करके RBI जो है इंडिकेटर बनाया है। तो इतना हमको डीप नहीं जाना है, खाली हमको ये जानना है कि RBI किया था। मिर्चा राइस जो है कौन से स्टेट में GI टैग लिया है, बिहार के वेस्ट चंपारण में, हाँ जी, बिहार के वेस्ट चंपारण का GI टैग क्या है, मिर्चा राइस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है बिहार में कब हुआ था, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में 2024 में होने वाला है, ठीक है। प्रयाग यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी अभी एक नया लॉन्च किए हैं, पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम। इसका पर्पस क्या है, ताकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, है ना, पोषण भी और पढ़ाई भी, नाम से ही लग रहा है आपको, यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी की हैं। जनवरी 2023 में कौन सा स्टेट लॉन्च किया है पहला सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स, झारखंड, झारखंड जो है पहला सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स लॉन्च किया है, ठीक है, जनवरी में। किसको जो है भारत भारती सम्मान मिला है, भारत भारती सम्मान किसको मिला है, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को, ठीक है, रमानाथ त्रिपाठी को भारत सम्मान मिला है। कौन सा जो है यूनियन मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की है, लॉन्च किए हैं, हरदीप सिंह पुरी जो है लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री, ये किसके लिए किए हैं, वेंडर्स के लिए, जब कोरोना में वेंडर्स लोग जो रेलवे वेंडर्स होता है ना वो लोग स्मॉल वेंडर्स, तो स्मॉल वेंडर्स लोग जो है उनके लिए लोन देने का ये ऐप है, उनको लोन मिलेगा डायरेक्ट, हरदीप सिंह पुरी किए हैं, है ना। कितना पर्सनालिटी जो बिहार से है पद्मश्री अवार्ड मिला है, टोटल 3 लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। जनवरी 2023 में बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट का पहला सेल्फ मूट और डिजिटल कोर्ट स्टार्ट किया है, भागलपुर, भागलपुर में डिजिटल कोर्ट स्टार्ट हो गया है जनवरी से, ठीक है, डिजिटल कोर्ट, पहला डिजिटल कोर्ट चल रहा है, सब कुछ डिजिटली हो चुका है। बिहार का जो बजट है 2023-24 में कौन प्रेजेंट किए हैं, विजय कुमार चौधरी, है ना, बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वही करेंगे, विजय कुमार चौधरी हैं बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर। थीम क्या था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 का थीम क्या था, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, वेटलैंड्स रिस्टोरेशन का समय है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एयर प्योरीफायर इन बसेस, बसेस में भी एयर प्योरीफायर कौन सा स्टेट गवर्नमेंट दिया है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है बस में भी एयर प्योरीफायर लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज द हिंदुस्तान स्पेसिफिक, हाँ ये बताइए, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कौन कहाँ फाउंड हुआ था, कौन फाउंड किया था, चंद्रशेखर आज़ाद, अकेला वही बचे थे, बाकी सब तो मर गए थे, कहाँ हुआ था, देखिए आंसर में पूरा डिटेल देगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव, ये HRA किए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। लेकिन उसके बाद जो है ये तीनों जो है पकड़ा गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद इसका किए थे, ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किए थे 1928 में, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट, तो चंद्रशेखर आज़ाद किए थे और दिल्ली में किए थे। गदर पार्टी कौन इसमें इस्टेब्लिश किया है? लाला हरदयाल 1913 में, है ना। नेक्स्ट, किसके कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट कर रहे थे? पहला में तो नहीं करे थे, तीसरा में भी नहीं करे थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किए थे, है ना, राजपूताना जहाज से गए थे, हाँ 1932 वाला। सब लास्ट वायसराय ब्रिटिश इंडिया के कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, मालूम है ये तो, है ना। पहला वायसराय ब्रिटिश इंडिया के कौन है? राजगोपालचारी। और टोटल ओवरऑल लास्ट वही हैं, श्री राजगोपालचारी, मतलब माउंटबेटन के बाद कौन बने थे? राजगोपालचारी 1948 में। कौन से सेशन में सरोजिनी नायडू जो है वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी नेशनल कांग्रेस के? 1925 कानपुर के, है ना, मालूम है ना। 24 में गांधी जी बने थे तो 25 में क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त को घोषणा हुआ था और 9 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा इसमें से जो है पंचायत का पावर नहीं है 243 जी के तहत? लैंड रेवेन्यू रेगुलेट नहीं करता है पंचायत, ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर। पंचायत और क्या क्या काम करता है 243 जी के तहत जो है पंचायत क्या क्या काम करता है? 11th शेड्यूल में है ये पंचायत, इसका 29 फंक्शन है। एग्रीकल्चर मेंटेन करता है, लैंड इम्प्रूवमेंट करता है, लैंड रिफॉर्म्स करता है, इरिगेशन देखता है, फिशरी देखता है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, फार्म, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल, खादी, विलेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी मेंटेन करता है, रोड, कलवर्ट, ब्रिज भी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी करता है, एनर्जी भी कन्वेंस करता है, और उसके बाद जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी लाता है और एजुकेशन के रिगार्डिंग भी स्कूल उस्कूल भी देखता है, ठीक। तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स है, इतना याद रखिएगा। इस पर भी कभी कभी पूछता है कितना सब्जेक्ट है। गिव मी ब्लड आई विल गिव, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस बोले थे जब वो इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर यहाँ आए थे। किनका फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जापान से लिया गया है? हाँ, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बी लॉ, इस्टेब्लिश बाई लॉ जो है जापान से लिया गया है। इसमें आंसर देखिए कौन कौन कहाँ से लिया गया है इसमें बताएगा। नहीं दिया है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज कौन बनाए थे? 1928 में बना था, अरे 1920 बोल रहे हैं, 1828 1500 की 1800 28 है, है? 28 है, 28 में राजा राम मोहन राय, नीचे आंसर होगा ना, देखिए देख बात देख ली, 1828 में राजा राम मोहन राय बनाए थे ब्रह्म सभा कलकत्ता में, ठीक है। और क्या क्या किए हैं? ब्रह्म समाज जो है एक मतलब नास्तिक सेक्ट है हिंदुइज्म का, वर्शिप मतलब अपना क्या है उसको बोलते हैं, यूनिवर्स को बचाना है और ये कलर क्रीड पे डिस्टिंक्शन मतलब आपस में लड़ना नहीं है, वो मतलब इमेज को वर्शिप करना है, कास्ट सिस्टम को, और उसके बाद जो है हिंदू रिचुअल्स है। राजा राम मोहन जो है को फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर किसका किए थे? विडो रिमैरिज एक्ट का। तो विडो रिमैरिज एक्ट जो है बंगाल में, ये भी बंगाली में किए थे, ये फादर ऑफ बंगाली प्रोज हैं, ये विडो को फेवर करते थे, रीमैरिज और वुमेन्स एजुकेशन पे फोकस किए थे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में रिमैरिज एक्ट लगाए थे 1856 में। और पंडित रामाबाई क्या किए थे? पंडिता रामाबाई सरस्वती जो है पहली वुमेन है जो पंडिता का टाइटल ली है और सरस्वती का भी टाइटल ली है, वो जो है कलकत्ता के यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा उनको पढ़ने में थी। और रामाबाई जो है पुणे चली गई थी जहाँ पे वो क्या फाउंड की थी, आर वुमेन सोसाइटी बनाई थी 1882 में पुणे में, ठीक है, ताकि वुमेन्स के एजुकेशन को मतलब मिले और फिर मतलब चाइल्ड मैरिज को ऑपरेशन करे। फिर दयानंद सरस्वती जो है आर समाज के फाउंडर हैं और ये जो है वेदाज के बिलीफ पे फोकस किए थे, डीएवी स्कूल खोले थे, है ना। नेक्स्ट, हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हुआ? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच, है ना। नेक्स्ट, कितने मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और नॉमिनेटेड हुए हैं गवर्नर्स के द्वारा? गवर्नर्स के द्वारा 1/6 होते हैं, देख लीजिए किसके किसके द्वारा कितना होते हैं। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 75 सीट है ना, 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, है ना।
जिसमें से 63 जो है इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। जैसे राज्यसभा में कितना सीट है, 245 250 है टोटल, 238 राज्यसभा में इलेक्टेड होता है, मतलब उसको MP MLA चुनता है, MP चुनता है राज्यसभा को, और 12 जो है प्रेसिडेंट चुनता है ना। इसमें जो है 12 जो चुनता है वो अलग अलग फील्ड से चुना जाता है, वो जो है लोकल कहाँ कहाँ से चुना जाता है वो क्राइटेरिया है, 12 कहाँ कहाँ से चुना जाता है उसका क्राइटेरिया क्या है। लोकल जो म्यूनिसिपलिटी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, परिषद जो है ये सब से 1/3 होता है, ठीक। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जैसे विधानसभा होता है, अरे लोकसभा होता है, उसी स्टेट का भी लोकसभा होगा, जो मतलब स्टेट का विधानसभा, तो जो विधानसभा है विधानसभा का मेंबर से 1/3 माने MLA से MLA जो है 1/3 चुनेगा, वो पंचायत म्यूनसिपलिटी का मेंबर जो है 1/3 चुनेगा, जो ग्रेजुएट टीचर्स जो है वो 1/12 चुनेगा, ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट टीचर है वो भी 1/12 चुनेगा, आपस में 1/12 हो गया, ठीक है, और गवर्नर 1/6 चुनेगा, समझ में आया। नेक्स्ट, जब कास्टिंग वोट आएगा तो गवर्नर देगा। कौन से साल में बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ था, 1912 में, एक्चुअली दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या मारिएगा, 11 के दिसंबर में हुआ था दिल्ली दरबार में, लॉर्ड हार्डिंज के टाइम। DRDO कौन से ऑर्गेनाइजेशन से मर्ज हो गया है, अच्छा ये देखिए इसका आंसर, DRDO जो है एक मिलिट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, ये 1958 में बना था, ये टेक्निकल डेवलपमेंट करता है और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो DTDP डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन दोनों मर्ज हो गया है, ठीक। इसका विजन है कि जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको हम तगड़ा बनाएंगे और इंडिया को टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंस बनाएंगे। अभी DRDO के चीफ कौन है, समीर एस बी कामत है, ठीक है। नेक्स्ट, ये महात्मा गांधी कहाँ से नेशनल कांग्रेस किए थे, बेलगांव से, कर्नाटक में है बेलगांव, 1924 में, है ना, 1924 में महात्मा गांधी, 1925 में सरोजिनी नायडू, बेलगांव से किए थे। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग करेक्ट मैच करिए, देखिए गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ जो है उससे क्या फ़ायदा मिला हुआ था हमको, इधर कीजिए ना, दिखेगा पूरा है। गोलकनाथ का केस हुआ था 1967 में, ठीक है, और विनावा मिल्स का केस हुआ था 1980 में, और केशवानंद भारती का केस हुआ था केरला स्टेट के 1973 में, हम बताए हुए हैं आपको, बताए थे ना। साल्ट सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में सॉल्ट बनाने के लिए, तो पीपुल जो है मतलब कौन सा टैक्स इसमें अपोज किया था, हाँ कौन सा टैक्स अपोज करके साल्ट बनाया था वो लोग, देख लीजिए। साल्ट सत्याग्रह बिहार में साल्ट बनाने में पीपुल जो है चौकीदारी टैक्स अपोज किया था, ठीक है, चौकीदारी टैक्स जो है 1917 में फार्मर्स के अगेंस्ट लगाया जाता था, फार्मर्स जो है विलेज वॉचमैन को एक पुलिस की तरह चौकीदारी टैक्स देते थे, चौकीदारी टैक्स बिहार की बात हो रहा था। आर्टिकल 353 क्या बोलता है, अरे 343 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा, और 243 क्या है, 343 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 243 क्या है, नहीं इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट है बहुत, पंचायत 243 का ही तो ABCD सब है पूरा। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का लाइफ कौन बचाया था, बटक मियाँ बचाए थे, सब लोग घेर लिए थे उनको जब वो आए थे चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के टाइम में, तो बटक मियाँ उनको बचाए थे। नेक्स्ट, इसमें जो है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल से कौन रिलेटेड नहीं है, प्रेसिडेंट। नीति आयोग में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और लोकल स्टेट का चीफ मिनिस्टर और यूनियन का टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर रहता है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। नीति आयोग बना कैसे, प्लानिंग कमीशन से, प्लानिंग कमीशन के बाद कौन आया था, प्लानिंग कमीशन के बाद जो एगो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आया था NDC,
एनडीसी में क्या था, सारा स्टेट का लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर का और पीएम, उसमें प्रेसिडेंट तो कहीं आया ही नहीं, तो प्रेसिडेंट नहीं होता उसमें। नेक्स्ट, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है, स्ट्रगल है, पहली बार कब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय हुआ था 1905 में, है ना। कौन से आर्टिकल में जो है मतलब प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दिया हुआ है, क्षमा करने का पावर, आर्टिकल 72 में, ठीक है। वो किसी को मतलब सजाए मौत हो गया है तो उसको क्षमा करके खाली उम्र कैद दे सकता है, बहुत सारा क्राइटेरिया है उसमें, है ना। तो आर्टिकल 72 में क्षमा करने का पावर है। कलकत्ता सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 में हुआ था, उसका जो स्वराज का जो फ्लैग था वो कौन फहराया गया, फहराए थे, दादा भाई नेहरू जी, मतलब वर्ड किए, मतलब पहली बार स्वराज वर्ड लाए, बोले थे। तो 1906 में कलकत्ता सेशन में स्वराज वर्ड कौन बोले थे, दादा भाई नेहरू जी। कौन से आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट्स को इम्पावर करता है कि आप ऑर्डिनेंस इशू करो, 1, 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 इसमें नहीं है, 1, 2, 3 होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को 1, 2, 3 और स्टेट वाले के लिए 2, 1, 3। इंडियन आर्मी फोर्स का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, आर्मी हो, एयरफोर्स हो और मिलिट्री हो, जो भी हो, नेवी हो, सबको वही होगा। द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आर्टिकल बिफोर लॉ, कहाँ से लाया गया, लिया गया है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और लिबर्टी और फेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, नहीं, फ्रांस से। द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, देख लीजिए बहुत सारा दिखा रहा है, राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है कौन कौन होता है उसमें, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है राज्यसभा, या फिर स्टेट का काउंसिल होता है। तो 3 अप्रैल को ये 1952 को चालू हुआ था, पहला सेशन जो है 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोलते हैं क्योंकि कभी भी ये डिजॉल्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का स्ट्रेंथ आर्टिकल 80 में बताया गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का 250 होगा, जिसमें कि 12 मेंबर्स नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और 238 मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट और यूनियन के द्वारा, ठीक है। स्टेट यूनियन भी साथ दुए गो है, दिल्ली और पुडुचेरी, बाकी सब कोई नहीं लेंगे। उसके बाद जो है जो मेंबर्स नॉमिनेट होगा प्रेसिडेंट्स के द्वारा, उसमें क्या नॉलेज होना चाहिए, लिटरेचर फील्ड, साइंस फील्ड, आर्ट फील्ड और सोशल सर्विस फील्ड, ठीक है। अब इलेक्शन कैसे होता है इसका, रिप्रेजेंटेशन जो होगा स्टेट का और यूनियन का राज्यसभा में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इलेक्शन, मतलब हर एक स्टेट का एमएलए करेगा, है ना, वी इलेक्टेड एमएलए, है ना। और उसके बाद जो है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कंसिस्ट ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, दिल्ली का जो है इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर करता है और पुडुचेरी का भी इलेक्टेड मेंबर करता है। तो हर चीज़ का इलेक्टेड मेंबर करेगा, मतलब स्टेट हो चाहे दिल्ली और पुडुचेरी हो, उसका जो एमएलए है वो इलेक्टेड वाला, जो मतलब वोट लेके आया है, मतलब जो डायरेक्टली खड़ा हो गया नहीं, जिसको वोट लेके जीता है जो, वही मेंबर इसको राज्यसभा को वोट दे सकता है। पंचायत समिति जो है, पंचायती राज कौन सा, पंचायत समिति पंचायती राज स्ट्रक्चर में कौन से लेवल पे आता है, ब्लॉक लेवल पे। ग्राम सभा होता है विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, और जिला लेवल पे होता है जिला परिषद। कौन सा रिवर वैली जो है जिसमें कोल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, कोल रिजर्व किसमें सबसे ज़्यादा है, कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा, देख लीजिए एक बार खाली आंसर उसका कौन कौन है, दामोदर रिवर, सोन रिवर और महानदी रिवर, ठीक है। तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, ये छोटा नागपुर प्लेटू में आता है और ये अमरकंटक हिल्स में आता है, और महानदी ईस्ट सेंट्रल इंडिया का हीराकूट डैम है इस पर, है ना। नेक्स्ट, इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट कितना है, अपने सी लेवल से कितना नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट है, उसके बियॉन्ड जो है अपना इंडिया का एरिया नहीं आता है, मतलब समुद्र से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया आ जाए वो इंडिया के कवर में आएगा। नेक्स्ट, हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज पर द असेंडिंग डिक्रीड रहा। पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस में हुआ था, मधेपुरा में, उससे कम किशनगंज में, उससे कम सिवान में, ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था, फिर किशनगंज में, फिर फल्गु नदी जो है एक बहुत ही पवित्र नदी है बिहार में, हाँ, ये कौन से रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस में था, मोहना और लीलाजान,
फल्गु नदी को हम लोग जो है नीलांजना रिवर भी बोलते हैं, ये मोहना और नीलांजना रिवर्स के मिल के बना है। ठीक है, फल्गुनी नदी में नीलांजना रिवर में क्या हुआ था? नहीं, ये जो इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध जो है अपना, हाँ, वो प्राप्त किए थे बोध गया में, नीलांजना, निरंजना रिवर फल्गु नदी को ही बोलते हैं, ये मोहना और लीलाजन रिवर्स को मिला के बनता है। नेक्स्ट, कौन सा इसमें लास्ट रेलवे स्टेशन है बिहार का, मतलब भागलपुर से अगर हम मिर्जा चौक की तरफ जाएंगे तो बिहार कहाँ ख़त्म हो जाएगा? अम्बपाली रेलवे स्टेशन में बिहार ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं है, 80 तक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द मॉनसून अराइव फर्स्ट, मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरला में 1 जून को, है ना। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट जो है कौन से स्टेट से शुरुआत होता है? गुजरात से शुरुआत होता है, टोटल 9 स्टेट्स है, सबसे लॉन्गेस्ट भी वेस्टर्न ही घाट है, अरे गुजराती है। कौन सा मिनरल्स बेल्ट जो है इंडिया का जो है आयरन ओर करता है और कोयला करता है? छोटा नागपुर बेल्ट, छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा आयरन ओर और कोयला होता है। ठीक है, कौन सा जो है लॉन्गेस्ट एनएच है, सबसे लंबा एनएच अपना NH-44 है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है? NW-1 ही है अपना, कहाँ से कहाँ है? हल्दिया से NW-1 कहाँ है? हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, और NW-2 है ब्रह्मपुत्र धुबरी से सदिया। तो NW-1 जो है गंगा भगीरथी रिवर के बीच में है वाटरवे, ये हुगली रिवर सिस्टम में आता है, हल्दिया से इलाहाबाद, और NW-2 है धुबरी से सदिया। बस दो ही याद रखना है आपको, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। धुबरी से सदिया कौन सा जो है इसमें करेक्ट नहीं है? वेम्बनाड लेक, उलर लेक कश्मीर में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, वेम्बनाड लेक कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, आंध्रा, वेम्बनाड, हाँ केरला, केरला। और देख लीजिए नीचे, और भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट दिया हो। वेम्बनाड लेक जो होता है इसको वेम्बनाड कायल भी बोलते हैं और कोची लेक भी बोलते हैं, ये लार्जेस्ट लेक है केरला का, सबसे बड़ा लेक है इंडिया का, लॉन्गेस्ट है ना। मीराचाल, अचानक कोयल, पंपा, ये सब भी लेक है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर स्ट्रेच भी बोलते हैं इसको। कौन सा डैम जो है करेक्टली है? तेहरी डैम जो है उत्तराखंड में है, हीराकूट डैम उड़ीसा में सही है महानदी रिवर पे, तेहरी डैम भागीरथी रिवर पे उत्तराखंड में है, बाखरा डंगल डैम जो है पंजाब में है, सतलज, हिमाचल प्रदेश भी बोलो उसको, पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर है, सतलज रिवर पर है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टैब्लिश बाय, कॉमन हाई कोर्ट बनाना है तो पार्लियामेंट से लॉ बनाना पास कराना पड़ेगा, मतलब दो स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट जो बनता है ना, जैसे गुवाहाटी है वो असम भी देखता है, अरुणाचल प्रदेश भी देखता है, लोकल पूरा ईस्टर्न स्टेट देखता, तो वो पार्लियामेंट से लॉ पास होकर बना था। दीने इलाही का अकबर, दीने इलाही अकबर नामा, मतलब अकबर खुद अपना वो लिखा है, ऑटोबायोग्राफी पर्शियन लैंग्वेज में। हड़प्पा कौन से एज में आता है? ब्रॉन्ज एज में, हड़प्पा ब्रॉन्ज एज का बिलोंग करता है। बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, वो जो है कौन से एक्ट के तहत बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912, बिहार 1912 में ही बना था ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 बिहार का सेपरेट एक्ट बना था, उसमें उसका लेजिस्लेटिव सब, मतलब बिहार में पहले नहीं था विधान परिषद, सिर्फ विधानसभा था, वो तो सब स्टेट में रहता है, विधान परिषद सिर्फ साथ ही में है, टीबी जुकाम, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरे यूपी है ना, के से कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पहला गवर्नर कौन था बिहार का? देखिए ऐसे श्री कृष्ण सिंह थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया बोला है, 1911 वाले में, 1912 में जो बना था श्री कृष्ण सिंह थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर थे जयराम दास दौलताराम, पहला जयराम दास दौलताराम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इनिशियल वेलोसिटी कार का 5 है और फाइनल वेलोसिटी 10 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, तो 10 माइनस 5 बाई 5 1 हो जाएगा, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग इसमें सही है? सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग देख लीजिए, सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा जानकारी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 सही है, सरफेस टेंशन जो होता है एक लिक्विड सरफेस के फिल्म पे होता है, माने सरफेस फिल्म पे होता है लिक्विड में, जो अट्रैक्शन करता है बल्क उसको खींचता है, तो सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाएगा।
स्टेटमेंट तीन सही है, सरफेस टेंशन जो पानी का है इम्प्यूरिटी से कम जाता है। कुछ भी डालो सरफेस टेंशन कमता ही है, चाहे प्रेशर बढ़ा दो कम जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दो कम जाएगा, इम्प्यूरिटीज बढ़ा दो कम जाएगा, है ना। तो वेन इम्प्यूरिटीज आर एडेड टू वाटर जनरली इंक्रीजेज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है इसलिए वैन डर वाल्स फोर्स कम जाता है तो सरफेस टेंशन कम जाता है। तो सरफेस टेंशन इम्प्यूरिटी बढ़ने पर कम जाता है, टेम्परेचर से भी सरफेस टेंशन कमता है, ध्यान रखिएगा ये बात। नेक्स्ट, कौन से पार्ट में सिंकोना प्लांट जो है क्यूनिन होता है नेचुरली, बार्क में। सिंकोना प्लांट क्यूनिन जो है हम लोग सिंकोना प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन। तो सिंकोना प्लांट से हम लोग क्यूनिन निकालते हैं, तो कहाँ से निकालते हैं, उसके बार्क से, छाल से, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन होल क्या होता है, ओजोन होल मतलब कि ओजोन के लेयर में उसके थिकनेस में कमी आ रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में, होल मतलब छेद नहीं हो रहा है, उसके मोटापा कम रहा है ना। नेक्स्ट, लिमोनाइट ओर जो है कौन से मेटल का ओर है, आयरन का, है ना, आयरन का ओर है, मालूम है ना, सीडेराइट, लिमोनाइट। नेक्स्ट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कॉपर वेसल जो है रेनी सीजन में कोरोड हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ग्रीन कोट आ जाता है कोरोजन में, उसका कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट, CuCO3 और CuOH2, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट का ग्रीन कलर का कोटिंग आता है। एक्चुअली यही ग्रीन पूछना चाह रहा था वो, मतलब जब कॉपर का रस्टिंग होता है उसका कलर कैसा होता है, जैसे अपना आयरन का ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, और कॉपर का ग्रीनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोन के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है, आई ऑफ द स्टॉर्म इज काल्म एरिया, हाँ, जब आंधी आता है तो उसका आँख जो है मतलब शांत एरिया रहता है, वेरी हाई प्रेशर से नहीं, इसमें लो प्रेशर क्रिएट होता है हाई स्पीड से, टोर्नेडो जो है साइक्लोन के अंदर फॉर्म हो सकता है, सही बात है, विंड डायरेक्शन जो है साइक्लोन को बताता है, विंड डायरेक्शन से साइक्लोन बनेगा ही, तो विंड से होता है, टोर्नेडो से होता है, लो प्रेशर होता है और आई जो है उसका काल्म होता है, तो ए सी डी सही है, बी में खाली हाई के बदले लो हो जाएगा। द हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड इन अ रूम स्प्रेड्स टू कॉर्नर ऑफ द रूम, आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट जो है पूरे कॉर्नर तक फैल गया है, इसका मतलब क्या हुआ है, पूरे कॉर्नर तक फैल गया है, तो पार्टिकल बाई पार्टिकल तक तो जाके कॉर्नर नहीं होगा, कंडक्शन से नहीं होगा वो, इसका मतलब कि हर एक कॉर्नर में जा जाके हुआ है, यानी तो रेडिएशन से हो गया है, तो कन्वेक्शन और रेडिएशन से होगा, पूरे कॉर्नर तक हुआ है तो दोनों होगा, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। नेक्स्ट, कौन से विटामिन के कमी से जो है कैल्शियम जो है फूड में नहीं मिलेगा, विटामिन डी, विटामिन डी में कैल्शियम होता है और सनलाइट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्स जो है ब्लड वेसल्स है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, वाई जो है वाल्स है, और जेड जो है ब्लड जो है लंग्स से हार्ट लेके जा रहा है। तो देखिए हमको खाली इससे पकड़ना है कि बॉडी का बात कर रहा है कि हार्ट का बात कर रहा है, है? हाँ, लंग में पल्मोनरी वर्ड आएगा, लेकिन लंग में वेंस होगा कि आर्टरी होगा, आओ कि जाओ, वेंस मतलब भेजो और आर्टरी माने आओ। तो देखिए ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स से हार्ट जा रहा है, मतलब लंग्स भेज रहा है, लंग्स के बात कर रहे हैं तो लंग्स भेज रहा है, तो इसका मतलब कि जेड तो पल्मोनरी वेन है, समझ में आ गया। अच्छा, एक्स क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है ये, हाँ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है, भैयात खून, वेन, नॉर्मली तो जब पल्मोनरी वर्ड नहीं है तो नॉर्मल में वेन, भैयात खून, वेन्स, लेकिन पल्मोनरी वर्ड अच्छा करेगा, इसमें अगर पल्मोनरी लग गया, आर्टरी हो चाहे वेन हो, तो वो बदल जाएगा, आर्टरी अच्छा खून, लेकिन आओ मतलब बॉडी को, हार्ट से बॉडी जा रहा है, ठीक, वेंस भैयात खून मतलब भेजो, बॉडी से हार्ट जा रहा हो, बॉडी उसमें बात कर रहा है, लेकिन वेंस भैयात खून, आर्टरी अच्छा खून, लेकिन वही अगर पल्मोनरी वर्ड लग गया तो पलट जाएगा, पल्मोनरी वेन अच्छा खून, लेकिन भेजो आओ सही सही वही रहेगा, लंग्स भेजेगा, एक में बॉडी भेजेगा, तो लंग्स से हार्ट, ये थीन होता है, उसका वाल्स पतला होता है वेंस का, ठीक है। नेक्स्ट, विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है फूड आइटम्स में, क्यों, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखता है, तो बैक्टीरिया उसमें जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसको रेंसिडिटी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इसमें से सही कौन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज डीफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो डीफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, हाँ, तो गलत है,
डिफॉरेस्टेशन जो है ग्राउंड वाटर लेवल कम कर देगा, ये बात सही है। सॉइल इरोजन से डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, हाँ डेजर्ट बन जाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब क्या हो रहा है, आदमी और ऑर्गेनिज्म का लॉस हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स का लॉस हो रहा है, दोनों इंटररिलेटेड कहाँ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, ऑन साइट मतलब साइट पर कंजर्वेशन क्या है, साइट पर कंजर्वेशन करने के लिए बोले तो। नेक्स्ट ऊपर करिए, इन सिटू कंजर्वेशन और एक सिटू कंजर्वेशन पहले समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे ही। नीचे करिए और नीचे करिए, ऊपर ऊपर ऊपर, एक सिटू नहीं इन सिटू पहले देखिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साइंटिफिक मैनेज कर रहे हैं और नेचुरल फ्लोरा फौना वाले प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं। मतलब कि हम बहुत सारे थ्रेटेंड प्लांट्स को और एनिमल स्पीसीज को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है हम लोग दो मॉडल में करते हैं, इन सीटू और एक सीटू, साइट पर ही और साइट के बाहर। तो एक सीटू कंजर्वेशन मतलब ऐसा कंजर्वेशन जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं थ्रेटेंड स्पीसीज का आउटसाइड द एरिया जहाँ पे वो नेचुरली पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल्स जो है एक सीटू कंजर्वेशन का, आपका बोटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, जीन बैंक्स है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब कि इंटायर जो हम लोग प्रोटेक्शन इकोसिस्टम कर रहे हैं, स्पेसीज जो है नेचुरल जहां रहते हैं वहीं पर। जैसे एग्जाम्पल आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स, पवित्र ग्रोव्स, इसलिए ऑप्शन फाइव इसमें होगा क्योंकि उसमें एक सीटू को ऑप्शन दे दिया है। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बोटनिकल गार्डन, ये सब क्या है, एक सीटू है, इन सीटू नहीं है, है ना। इन सीटू क्या होता है, ये सब एक सीटू है ना, बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क है ना, जीन बैंक। और इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी इन सीटू होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सीटू है। लेकिन सब ऑप्शन में सही था उसमें, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, तीनों सही है। तो ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन आया नहीं, मोर देन ऑफ द अबव मतलब इसमें नहीं होगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खाली सेंचुरी वर्ड लिखा था। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी में मेनली क्या रहता है, ब्यूटेन और मीथेन, ब्यूटेन प्रोपेन, हेलो सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या है, सीएनजी का मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, तीन है। इसमें ऑप्शन मीथेन नहीं दिया था इसलिए, ठीक है। तो अरे सॉरी सीएनजी बोला है ना, हम एलपीजी बोल रहे हैं। सीएनजी जो है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है, मेन कंपोनेंट उसका मीथेन होता है, उसमें जो ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो इसमें मीथेन होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा इथेन, प्रोपेन भी छोटा छोटा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, ये इको फ्रेंडली होता है ना, गैसोलीन के अच्छा है। Which of the following gas states is known for the dish दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा कहाँ खाते हैं हम लोग, राजस्थान में, वहाँ का फेमस डिश है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है। नेक्स्ट, वाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ m सो दैट 23m इज डिविजिबल बाई 3। अब आपका जो है वो आ गया, मैथ्स रीजनिंग आ गया, ये लोग आप खुद से बनाइएगा, हम लोग जो है जीएस को फोकस कर रहे हैं। ओके, आशा करते हैं आपको अच्छा पसंद आया होगा, धन्यवाद।